नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुनिया की सबसे कठिन यात्रा में से एक, श्रीखंड महादेव यात्रा पर। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए आप कई जगहों से जा सकते हैं। मेरी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से, कश्मीरी गेट ISBT से, 21 नंबर प्लेटफॉर्म से मैंने बस पकड़ी जो कि रामपुर बुशहर तक गई। रामपुर बुशहर के लिए जब मैं बस में बैठा तो एक योगी मिले जो कि 5 बार लगभग जा चुके थे वहां पर। सुबह पहुँचते ही अगर आप लकी रहे तो सुबह 9 बजे की एक बस मिलेगी जो कि डायरेक्ट आपको जाऊँ विलेज तक छोड़ेगी जो कि अंतिम पड़ाव है आपका लक्ष्य श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए, जहां से शुरुआत होती है। श्रीखंड महादेव यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, साथ के साथ फिजिकली भी। इसलिए वहां के लोकल्स और गांव वालों के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है फ्री में भंडारा जो कि आपको शुरुआत में ही मिलेगा। आपको एक लाठी दी जाएगी, स्टिक्स दी जाएगी ताकि आप अच्छे से चढ़ पाएँ, और साथ में आपके लिए विश्राम गृह भी है ताकि आप रेस्ट करके ही आगे निकलें। ये सब व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी वहाँ पर, लोकल्स के द्वारा, गांव वालों के द्वारा और वहाँ की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। और मैंने आते ही स्टार्ट कर दी यात्रा। काफ़ी घड़ी चढ़ाई है यार स्टार्टिंग में ही। अब रास्ता तो नहीं पता था तो आगे जाते हुए एक आदमी दिखा, उसको फॉलो अप करते हुए मैं पीछे पीछे चल पड़ा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और आप मेरी फुल वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना कि क्या क्या आपको नहीं करना होता यात्रा के दौरान। जाओ विलेज से लगभग 2 किलोमीटर आगे आपका सिन्हगढ़ पड़ता है। सिन्हगढ़ में आपका रजिस्ट्रेशन कैंप है जहाँ पे हेल्थ चेकअप होता है, डॉक्टर बकायदा आपका चेकअप करते हैं। मात्र 150 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जिसके थ्रू आप पूरे यात्रा के दौरान कहीं भी दवाई से लेकर कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। आपको जस्ट फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करके चेकअप करवा के आपको आगे पुलिस को दिखाना होता है, तभी आपको आगे जाने का परमिट मिलता है। हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए आपको 30 से 35 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी जो कि अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इसे अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के रास्ते में कई श्रद्धालुओं की मौत तक हो जाती है और जो सही सलामत दर्शन कर पाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं अपना इंसिडेंट बताऊँ तो जिस दिन मैं गया था उससे लगभग 2 दिन पहले ही 11 लोग वहां से लापता हो गए थे, और मैं जब तक वापस आ रहा था तो मेरे साथ चले हुए 2 लोग रास्ते में ही कहीं लापता हो गए। हेल्थ चेकअप कैंप के बाद आपको आगे रास्ते में कुछ दूरी पर मार्केट मिलेगी जहां से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, और साथ में फ्री भंडारा मिलेगा जहाँ पे आप बिना पैसे दिए पेट भर के भोजन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही मिलता है वहाँ पे भंडारे में। हल्का भोजन करके मैं निकल पड़ा आगे अपनी यात्रा की ओर, जहाँ पर मुझे कुछ ये नज़ारा मिला। कहती हैं ये नदियाँ कि वापस चल अपने पहाड़, इन शहरों में तो हम भी नालों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। खड़ी चढ़ाइए भाई, थक गया मैं। 5 किलोमीटर लिखने के लिए
स्ट्रेट एटलीस्ट 80 डिग्री या फिर 75 डिग्री खड़ी चढ़ाई है, पत्थर ही पत्थर। थोड़ा केयरफुल भी चढ़ जाऊँगा, तो बारिश भी हो रही है। सी देखो कैसे चले हैं। प्रकृति भी कैसी चीज है जिसे खुली आंखों से आप छूना चाहेंगे और बंद आंखों से आप महसूस करना चाहेंगे। दैट इज अ सिंगलगढ़ जहां से हम आ रहे हैं और हमें अभी जाना है आराम से भाई, आराम से। पार्वती वाली उधर है वो ब्लैक पहाड़ी। अभी हमें ताजपुर के लिए अप्रॉक्स एक घंटा और जाना है। आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा बट ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और साथ में गीली भी। एक गलत कदम और आप साइड में खाई में। ये तो फिर भी कुछ भी खाई नहीं है, जो नदी के पास वाली खाई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो बी अवेयर, अगर आप मानसून में आते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तो आप ना आओ, बिकॉज मानसून यहाँ पे बहुत बेकार है ट्रैकिंग के लिए। बारिश हुई, सारी मिट्टी गीली हो गई और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रैक भी नहीं है, पैर रखे नहीं जा रहे। मुझे ये लग रहा है कि उतरूँगा कैसे मैं, सारी गीली मिट्टी। 7 से 8 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद मैं पहुंच चुका हूं थारचुड़ू और आपको अभी संध्या आरती के लाइव दर्शन करवाने वाला हूं। संध्या आरती श्रीखंड महादेव की ओर मुख करके की जाती है। 70-80% लोग यहीं से वापस हो जाते हैं, जो हिम्मत नहीं हार पाते वो आगे चढ़ाई चढ़ते हैं। डॉर्मेट्री है और यहाँ पे 50 रुपीज़ का हेड है, यहाँ पे मैं सोऊंगा। चार कौन है? चार हो गए। सामने लंगर हो रहा है, अभी जाके लंगर खाएंगे भंडारा, उसके बाद वापस आके सोएंगे। चलो इज द किचन, यहाँ पे खाना बन रहा है आपका और यहाँ पे भंडारा हो रहा है। ना ना बस बस लगे हो राइट साइड में। नहीं लोग टेंटों में हैं। है कड़ी है और खा के सो जाते हैं। तो मैं खाना तो खाएंगे थोड़ी छोड़ दे शाम को खाना खा थोड़ा और ज्यादा लोग वीडियो में पूरी फिल्म बनाएंगे लास्ट मिनट में। अब दिख रहा है वो ही दिखा रहे हैं। तो मैंने अभी एक डॉर्मेट्री लिया है टेंट, इट्स अप्रॉक्स ये आपको साइड देख रहे हैं सारे सो रहे हैं। 50 रुपीज़ पर क्या कहते हैं उसका ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट मिलेगा और आप इन सब के साथ में एक टेंट के नीचे सोओगे यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे लंगर हुआ था, लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने 2 बार खाया, इतना ज़्यादा टेस्टी लंगर था कि मैंने 2 बार खाया। खुला है पूरा, ठंडी बहुत ज़्यादा है, देख रहा हूँ मेरे मुँह से भाप निकल रहा है। वेट कर रहा हूँ कल मॉर्निंग की, अगर मॉर्निंग में जल्दी बारिश ना हो फिर सुबह जल्दी निकल सकते हैं। चलो ये सारी स्माइल मेरी तब गायब हो गई जब रात के 2 बजे मैं उठा और मेरे
बहुत ही गंदा क्रैम्प आने लगा लेग्स में। मैं चिल्लाने लगा और बुलाने लगा टेंट वाले भैया को, भैया पानी दो पानी दो। कुछ देर पानी पीने के बाद मुझे राहत मिली तो मैं फिर से सो गया। और सोते हुए मैं ये मन बना चुका था कि सुबह होते ही मैं वापस नीचे की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन आँख खुलते ही मुझे आरती के दर्शन हुए और इतना अच्छा सूदिंग इन्वायरमेंट था और मुझे लगा कि जैसे मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, परीक्षा ली जा रही है। तो मैं उठा और चल पड़ा। यात्रा बहुत लंबी है, उसको सुखद बनाने के लिए आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है। कोशिश करिए हर आधे घंटे पर बॉडी को रेस्ट दीजिए 2 से 3 मिनट का और पानी पीजिए। हम उस पीछे विलेज से आ रहे हैं, वो चढ़ते हुए। अभी हमें बहुत आगे जाना है, इस पहाड़ी के पार तीसरी पहाड़ी आएगी, वहाँ तक जाना है। हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो जो आप देख रहे हैं वही है श्रीखंड महादेव और मैं जहाँ से अभी आया हूँ वो है जाऊँ विलेज। यात्रा के दौरान अपने पास डार्क चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स रखिए ताकि आप एनर्जी बूस्ट करते रहें अपनी। डिसेंट यहाँ से हमें उतर के जाना है, देन वहाँ पे फिर आगे पार्वती वैली, देन श्रीखंड। बट बारिश होने की वजह से सारे फॉग छट चुके हैं, आपको सारा रास्ता दिखाई दे रहा है। ये साइड में सारी जड़ी बूटियाँ हैं ऊपर तक और हम वहाँ ऊपर से आ रहे हैं और अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर तक। जय भोले। ये शोर का हिस्सा बहुत हुआ, अब ज़िंदगी में अपनी गुमनाम चाहता हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ ख़त्म कर इस ज़िंदगी की, बस अब हिमालय की गोद में आराम चाहता हूँ। ये देख रहे हो क्या रास्ता है, एक स्टेप के लिए जगह है ये बस। और पता भी नहीं है कैसे है, बस चढ़ते जाओ। बारिश हुई तो भैया गए तुम तो। चलो चलते हैं। घनी वादियों में चलते चलते मुझे यूं ख्याल आया कि प्रकृति से रूबरू होने के बाद ही मैं अपने आप से रूबरू हो पाया। कहाँ से जाऊँ, रास्ता ही नहीं है कहीं तो, बस पानी बह रहा है। मेरे लाइक्स ने तो जवाब दे दिया भाई, बहुत ज़्यादा भाई। मुझे वहाँ तक जाना है, वहाँ ये अभी चेक पॉइंट है, इसके बाद पार्वती वैली और उसके बाद श्रीखंड महादेव ऊपर है, वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें ऊपर वहाँ। और आसपास का व्यू देखो मेरा, इतना ज़्यादा सूदिंग है यहाँ की हवा, काश मैं उसको भी कैप्चर करके आपको सेंड करता। और जब मैं यहाँ की प्रकृति से मिला तो किसी और से मिलने की मेरी चाह ना रही। दोपहर के 12 बजे तक मैं भीमद्वार पहुंच गया जहां पर लिखा हुआ था कि आप 9 बजे के बाद इससे आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। वहां पर 2 गार्ड्स बैठे थे जिन्होंने मुझे आगे जाने से मना कर दिया। मैं चाह रहा था कि ऊपर जो पार्वती वैली है वहां पर रेस्ट करता और मैं अगली सुबह अच्छे से ट्रैक कर पाता, मेरे लिए और छोटा ट्रैक हो जाता।
लेकिन इन्होंने आदेशानुसार मुझे रोक दिया। आप भी अगर आएंगे तो भीम द्वार से 9 बजे से पहले ही निकल सकते हैं, 9 बजे के बाद आपको आगे जाने का परमिट नहीं मिलेगा। इंतज़ार करते करते एकदम से बहुत सारे वहाँ पे बादल आए और इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि मैंने आसपास जो टेंट देखा उसी में जाके घुस गया। आज जितने भी देख रहे हो सारे बारिश से आगे अंदर आ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आवाज़ सुनो आप, भगवान के आशीर्वाद से बारिश थमी और उसके बाद मेरा भोजन का समय हुआ। बस बस वो पानी नहीं पीते, बाद में पीऊंगा। These are soybeans and mixed with dal or chawal. बहुत ठंड है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। सोने के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं सो जाऊँ जल्दी से जल्दी। यहाँ पे शोर शराबा बहुत है। सुबह के 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। All snow there. चांद की रोशनी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट बस मुझे आगे वाला दिखाई दे रहा है। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर हाइट पे हैं, यानी 15,000 फीट पे। रात्रि के 2 बजे से कंटिन्यूस चलते चलते मैं थक चुका था। बड़े पत्थरों को पार करना और बर्फ़ को पार करके इतना दूर आना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। मैं हिम्मत सा हारने लगा था अंदर ही अंदर। वो ये आपको दिख रहा है, बंदे चल रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, देन ऊपर पहाड़ी पार करके पीछे। हाथ वाइब्रेट हो रहे, देख रहे हैं आप। सारी ग्लेशियर पार करके आएंगे, जो आपको रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से। रात के 2 बजे से पैदल चलते चलते चढ़ाई करते करते शरीर थक चुका था। बिना रेस्ट के, बिना पानी के शरीर हार सा मान रहा था और मैं आगे आके पहुंचा पार्वती नैन सरोवर के पास। वहां से जाना है वो ट्रैक करते हुए ऊपर। आई मरे, ये ऐसी जगह है जहां पर एक चूक हुई तो आप सीधा फिसलते हुए 1 किलोमीटर नीचे लड़खड़ाते हुए जाएंगे और आपका पता भी नहीं है कि आप कहाँ जाके रुकेंगे। रात भर ना सो पाने की वजह से शरीर जवाब देता जा रहा था। ये आप जो देख रहे हैं इतनी खड़ी चढ़ाई होती है, लगभग 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, बोल्डर ट्रैक, और जो आप नीचे देख रहे हैं इस बर्फ के संकरीले रास्ते से ऊपर तक आना होता है और खड़ी चढ़ाई पार करके आपको आगे जाना होता है। जितनी बार मैं ऊपर देखता जा रहा था उतनी बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऊपर से बैठ के मुझे कोई बुला रहा है।
इस वजह से मैं चलता जा रहा था। पता नहीं मुझे कहाँ से वो शक्ति आ रही थी, लेकिन मैं चलता जा रहा था। देखिए मेरे पैर कैसे लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चलता जा रहा था। कैसे मुझे भी नहीं पता। तक तर्क नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय तस्मै नकाराय। इस रास्ते से होते हुए आपको वो जो लास्ट स्टॉप दिख रहा है वहां तक जाना है, वही है हमारे श्रीखंड महादेव। पहाड़ पर चढ़ने का एक ही उसूल होता है, हमेशा झुककर चढ़ें। खड़े होकर चढ़ेंगे तो आप सीधा पीछे जाके गिरेंगे। ज़रा नज़ारा तो देखिए, ये कैलाश के पहाड़ हैं, कितना सुंदर है। ऐसे पहाड़ हर कोई नहीं देख पाता जो आप देख रहे हैं मेरे साथ। ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते पैर लड़खड़ाते जा रहे थे, हिम्मत पूरी जवाब देती जा रही थी। इतने बड़े पत्थरों को पार कर ऊपर जाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था मुझे वहाँ बैठ के। शरीर और वातावरण से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मेरा शरीर और कमज़ोर होने लगा, दिमाग धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा, सोच पाने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। क्या आपको पता चल रहा होगा कि मेरी हालत कितनी कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ तक जाके मैं इतना भी नहीं हो पा रहा था मुझसे कि मैं एक पैर उठा के दूसरी जगह रख पाऊँ। मेरी हिम्मत हार मान चुकी थी कि तभी एक मेरा पैर बर्फ़ के अंदर घुस गया। शुक्र मानो कि मैं सिर्फ एक पैर था, मैं पूरा नहीं घुसा, वरना मैं कुछ लोगों की तरह मैं भी लापता हो जाता। मैं इतना थक चुका था कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मुझे सामने श्रीखंड महादेव दिख रहे हैं, लेकिन मैं वहां तक जा भी नहीं पा रहा था। मन में एक थिंकिंग आई कि मैं यहीं से दर्शन करके प्रणाम करके निकल जाता हूँ, लेकिन तभी एक आवाज आई, एक ऐसा अट्रैक्शन आया कि मैं उठा और चल पड़ा। श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय तस्मै शिखराय नमः। जब भी आपको ख्याल और सवाल दोनों बवाल करने लगे तो आ जाओ यहाँ पे, जहाँ ख्याल जुनून बन जाएगा और आपके सवाल सुकून बन जाएंगे। यही है वो जगह कैलाश, जहाँ पर हमारे महादेव विराजते हैं, जहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पर मैं पहुँचा नहीं हूँ, यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। यहाँ पर मैं आया नहीं हूँ, यहाँ पर मुझे लाया गया है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शव से लगने लगे हैं शिव भी, ब्रह्मांड भी घबराया है। ताप इस संताप का देवी समग्र कैलाश में फैला है। नीलकंठ भी नीले पड़ गए हैं, ये विष इतना विषैला है। डोल रही है धरती देखो, और गगन भी डोल रहा है। At last. श्रीखंड महादेव पहुंच गया मैं। मेरे लेग्स इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए हैं, चला नहीं जा रहा। मैं एक मिनट के लिए क्या बैठा, वहाँ पर वक्त एक घंटा गुजर गया। आँख खुली तो पाया 10 से 11 बज गए। उठा तो देखा हल्की सी बर्फ़ वाली बारिश होने लगी, तूफान आ रहा था नीचे से। इस वजह से मुझे जल्दी नीचे की ओर उतरना पड़ा। मैं मान चुका था कि इतनी ऊंचाई पर जाना
मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा और किस वजह से पहुंचा? मेरा कोई प्लान नहीं था यहां तक आने का। मुझे क्यों आना पड़ा यहां पे, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आया। यार देख रहे हो, यहीं से नीचे जाना है, मतलब एक बार पैर फिसला और आप चील कौवे के लिए रेडी रहोगे। इतना ज़्यादा थक चुका था मैं और मेरे पैरों में बर्फ भी घुस चुकी थी मेरे जूतों में, तो अंदर से मेरे पैर भी गलते जा रहे थे, बर्फ भर चुकी है, मौसम ख़राब होना चालू हो गया, बारिश की बूंदें मेरे ऊपर अब तक गिरती जा रही हैं, टप 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 टप। यहाँ रुकने के लिए कहीं भी कोई भी जुगाड़ नहीं है, ना टेंट है, ना कहीं छावनी है, आप कहीं भी नहीं रुक सकते। ग्लेशियर में चल चल के मेरे जूतों में भर चुका है, पूरा ग्लेशियर है। चलो चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, अदरवाइज मौसम बिगड़ रहा है। That is the main answer over, आपको दिख रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है, हम वापस आ गए यहाँ पे, हमें वहाँ जाना था, वहाँ से भीमद्वार ग्लेशियर क्रॉस करते हुए आगे जाके भीमद्वार है, ऊपर से बारिश होती जा रही है, तो ये जो गीली मिट्टी है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। चलो जल्दी पहुँचते हैं। अभी मैं इतना गंदा स्लाइड हुआ हूँ जो आप पीछे देख रहे हो, अभी मैं आपको सही से दिखाऊँ तो वो लाइन, ये मेरी लाइन है, मैं घिसटता हुआ नीचे आया हूँ, नीचे गिरा हूँ। अगर मैं जूम करके दिखाऊँगा तो वहाँ पर मेरी बॉटल पड़ी हुई है जो फूट गई, इतना गंदा स्लाइड हुआ मैं, ऊपर से स्लाइड हुआ बारिश की वजह से, ये बहुत ज़्यादा बर्फ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो ऊपर से स्लाइड करते हुए मैं नीचे आया, मेरे इतने तेज़ हाथ पे, और स्टिक का हाल देखोगे तो स्टिक देखो, स्टिक से मैं बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन रुका नहीं, इतनी तेज़ मेरे लगी है बैक में और हाथों में, रोकने की कितनी कोशिश करी रुका नहीं, मैं नीचे आके डायरेक्ट रुका, एक पत्थर से लड़ा उसके बाद नीचे रुका। मानसून सीज़न में सबसे ख़तरनाक है यहाँ पे यात्रा करना, अगर इसमें आपने यात्रा कर ली तो आप कहीं भी यात्रा कर सकते हो। छोटे छोटे टेंट है, वो भीमद्वार के टेंट है, बारिश यहाँ पे बंद नहीं हो रही, टिप टॉप लगी हुई है, बादलों की गरजना भी आ रहा है। बारिश की वजह से नीचे जाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बर्फ़ और मिट्टी फिसलने लगी थी, लेकिन कैसे मैं करके भीमद्वार तक पहुंचा, जो कि मैं 3 से 4 बजे पहुंचा। मुझे लगा 2 से 3 घंटा अभी और है, तो थोड़ा सा और स्ट्रेच मार के आगे काली टॉप तक रुका जाए, तो मैं आगे चल पड़ा। बारिश बढ़ती जा रही थी, इस वजह से मैंने काली टॉप के नीचे एक टेंट ले लिया, जहाँ पर वो शेयरिंग बेसिस पे दे रहे थे। हर एक टेंट यहाँ पे यात्रा में 100 से 200 रुपए के बीच में है, और आप जो खाना खाते हैं बोन फायर कुक्ड होता है, 50 से 100 रुपए पर प्लेट, और जो कि स्वादिष्ट खाना होता है। आप अगर ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करिए खाते हुए चलिए, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी रहे और बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। मेरी गलती यही हुई कि मैं पानी कैरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे थोड़ी सी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो गई। सुबह के 5 बज रहे हैं,
और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। चलो, अगर आप पहाड़ पर घूमने के शौकीन हैं तो यह यात्रा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अपने शरीर पर काबू रख सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं और तेज चल सकते हैं तो ही आप इस यात्रा पे आइएगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टार्टिंग में ही हर कोई हार मानकर वापस चल पड़ता है। मेरे सामने कई लोग 100 में से केवल 20 से 30 लोग ही ऊपर तक आ पाते हैं। 60-70% लोग वापस नीचे से ही चले जाते हैं। Back to Thatchu. थोड़ा सा पानी पी के निकलते हैं। एक्चुअली मेरे नेटवर्क भी नहीं आ रहे, घर पे फोन भी करना है। इस यात्रा में रास्ता कुछ ऐसा है कि या तो एक आदमी ऊपर जा सकता है या तो एक आदमी नीचे आ सकता है। दोनों साथ में ऊपर और नीचे नहीं आ जा सकते, इतनी जगह एक रास्ते में नहीं होती है। यात्रा के लिए अगर मैं सजेशन दूं आपको तो आप अपना बजट लगभग 6,000 से 8,000 रखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स के अंदर ठहरना चाहते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहते हैं तो, जो कि जुलाई 1 से लेकर 15-20 जुलाई तक ऑर्गेनाइज होती है। बाकी अगर आप खुद से आना चाहें तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप अपना टेंट कैरी करेंगे, आप गाइड और पोर्टर कैरी करेंगे, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। जरा मेरे साथ शहर की मशीनों से दूर कुछ इस शोर को भी सुनिए और कैसा लगेगा आप खुद बताइए। वापसी आकर यहाँ पर मेरी यात्रा प्रसाद ग्रहण करके ख़त्म हुई। मैं चाहूँगा कि आपने मेरे साथ जो यात्रा साथ में दर्शन किए हैं इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके सुझाव के लिए कमेंट्स, जो आप पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कहीं और यात्रा की वीडियो डालूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 1:30 बज रहे हैं, मैंने भंडारा खाया और मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेके रामपुर, फिर वहाँ से दिल्ली।